बनी इसराइल के तीन आदमी थे, उनका एक वाकया अजीब है, बड़ा सबक आमोद है। उनमें से पहले बंदे के पास एक आदमी आया और उसको कहा, भाई तुम्हारी कोई परेशानी? उसने कहा, परेशानी तो बहुत है। क्या? उसने कहा, भाई ये फुलबहरी है, ये जो सफेद दाग जिस्म पे हो जाते हैं, बर्स का मरीज हूं मैं, और मेरी शक्ल इतनी बुरी हो गई है कि मैं न मस्जिद जा सकता हूं न किसी के सामने बैठ सकता हूं, लोगों को कराहत होती है मुझसे और लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं, कम नजर से देखते हैं। तो एक तो मेरी ये परेशानी है कि बर्स की बीमारी खत्म हो जाए, और दूसरा रिस्क की भी बड़ी तंगी है। उसने दुआ दी, अल्लाह इसकी बीमारी को दूर कर दे और इसका रिस्क वसी कर दे। अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और उसको एक ऊंटनी अता फरमाई, और ऊंटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो थोड़े अरसे में हजारों ऊंटों का मालिक बन गया, बड़ा मल्टाई मिलियनर हो गया। वो बंदा दूसरे के पास गया, उससे कहा, भाई आपकी कोई परेशानी? उसने कहा, जी सर पे बाल नहीं है, गंजा हूं, और जहां बैठता हूं लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा ये कि कारोबार भी मेरा नहीं चलता, तो इसकी भी परेशानी है। उसने दुआ दे दी, अल्लाह इसके बीमारी को भी दूर कर दे, इसको रिस्क में भी बरकत दे दे। अल्लाह की शान के उसके सर पे खूबसूरत बाल भी उगाए और उसको एक गाय मिली, और गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो थोड़े दिनों में सैकड़ों गायों का मालिक, अमीर आदमी बन गया। फिर वो बंदा तीसरे के पास गया, वो आंखों से अंधा था। भाई आपकी कोई परेशानी? उसने कहा, जी कि मेरी परेशानी तो ये है कि मेरी बिनाई नहीं है, लोगों के लिए तो फकत रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन की रोशनी में भी अंधेरा है, और दूसरा यह कि मुझे तो दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, तो दुआ कर दो कि मेरा रिस्क वसी हो जाए। अल्लाह ने उसकी बिनाई भी ठीक कर दी, उसको बकरी अता कर दी, और बकरी इतनी नस्ल बढ़ी वो हजारों बकरियों का मालिक। ये तीनों बंदे अपने वक्त में बनी इसराइल के बड़े अमीर बंदे कहलाने लगे, करोड़ों में खेलने लगे। एन जब उनकी शोहरत थी, इज्जत थी, माल और दौलत की रेल पेल थी, तो अब पहले के पास वो बंदा आया और कहने लगा कि भाई मैं मोहताज हूं और अल्लाह के नाम पे आपसे मांगने के लिए आया हूं, अल्लाह ही ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास तो कुछ नहीं था, तो प्लीज आप मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दें। उसको बड़ा गुस्सा आया, कि ये तुमने कैसी बात की है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैं तो शुरू से ऐसा और अमीर और ये और वो, कोई मुफ्त क्या कहीं से पैसा मिला है मियां, मैंने कमाई की है, मेहनत से कमाया है, फलां की है, खबरदार जो तुमने ऐसी बात की कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसने कहा, भाई मुझसे खफा ना हो, बस आप जैसे थे अल्लाह आपको वैसा कर दे, ये कह के चला गया। और वही हुआ कि बर्स की बीमारी भी दोबारा हो गई, और ऐसी बीमारी फैली कि जितने उसके ऊंट ऊंटनियां थे एक एक करके बिल आखिर सारे मरते गए। वो जहां था वहीं पहुंच गया, दूसरे के पास गया, भाई मोहताज हूं, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, मैं भी आया हूं अल्लाह के नाम पे लेने के लिए, तो आप दें, एक वक्त था आपके पास कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ने आपको दिया, आज इतना कुछ है। उसको बड़ा गुस्सा आया, तू कौन होता है बात करने वाला, भाई मेरा तो बाप ऐसा, मेरा तो दादा ऐसा, परदादा ऐसा, मियां मैंने तो फलां डील ऐसी की थी, फलां मौके पे मैंने ऐसा बिजनेस किया था, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी, तब मुझे पैसे मिले, कोई कहीं से मुफ्त मिल गए हैं, खबरदार जो तूने कोई ऐसी बात की। उसने कहा, भाई मुझसे खफा ना हो, अच्छा आप जैसा थे अल्लाह आपको वैसा कर दे, ये कह के चला गया।
نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی، آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تین بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، دو اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے، یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔